अस्सलाम वालेकुम। खुशी आज आपके लिए लाई है बहुत ही प्यारे प्यारे से स्लीव्स, ट्राउज़र बॉटम एंड शर्ट दामन की डिज़ाइनिंग। ये जितनी भी आप डिज़ाइनिंग देखेंगी या आप अपने किसी भी तरह के डिज़ाइनर ड्रेस पर अप्लाई कर सकती हैं। इनको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर आप चाहती हैं सीखना तो आप कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ भी इसी चैनल पर देखिए और साथ साथ खुशी मकबूल चैनल पर भी, क्योंकि तमाम टाइप की जो ये स्लीव डिज़ाइनिंग है, शर्ट दामन डिज़ाइनिंग और साथ साथ ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइनिंग आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड की जाती हैं, ताकि बिगनर्स बच्चे इस तरह की वीडियोस को देखकर अपने प्यारे प्यारे से यूनिक ब्रांडेड ड्रेसेस को स्टिच कर सकें। फैब्रिक क्वालिटी कोई भी हो, ज़रूरी नहीं आप ब्रांडेड ही फैब्रिक का ड्रेस स्टिच करें, बल्कि नॉर्मल रेंज का फैब्रिक लेकर अगर आप उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी सी करेंगी, यकीन मानिए आपका ड्रेस वैसे ही बहुत खूबसूरत और ब्रांडेड लगेगा, क्योंकि सारा कमाल स्टिचिंग का भी होता है। ड्रेस के मैार के साथ साथ अगर आपके ड्रेस की स्टिचिंग बेस्ट होगी तो आपका ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो नीटनेस लानी ज़रूरी है स्टिचिंग में। इस तरह के स्लीव दामन और ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइनिंग के लिए आप चैनल का एक बार विज़िट कर लें। अगर आपको लगता है वीडियोस इजी हैं, सीखने में मज़ा आ रहा है तो आप सीख सकती हैं, वरना बेशुमार चैनल्स हैं स्टिचिंग के, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकती हैं। जबकि आपको ये भी बात मालूम होगी, मैं ड्रेसेस वगैरह सेल नहीं करती, अपने चैनल पर कटिंग स्टिचिंग और साथ साथ ड्रेसेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ देती हूँ डेली, ताकि मेरी प्यारी बहनें, मेरी बच्चियाँ, बिगनर्स बच्चियाँ जो सीख रही हैं वो भी, और जो सीख चुकी हैं या डिज़ाइनिंग फॉलो करती हैं वो भी, इस तरह के आइडियाज़ वीडियो से हेल्प ले सकें, अपने अच्छे अच्छे ड्रेसेस स्टिच करें या अपने एक्सपर्ट टेलर या लेडीज से, जिससे भी आप स्टिच करवाती हैं आप करवा सकती हैं, पिक का आइडिया दें उन्हें, बताएं मुझे इस तरह का डिज़ाइनर स्लीव या शर्ट दामन या ट्राउज़र बॉटम बनवाना है। तो इजीली जो भी मटेरियल ऐड होगा, बीड्स वगैरह या कोई ऐसा मटेरियल जो आप लगवाना चाहती हैं तो आप लगवा सकती हैं। इनमें तमाम टाइप की वीडियोस में आपको डिज़ाइनिंग दिखाई जाती है, जिनमें हर तरह का मटेरियल आप यूज़ कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।